फीमेल्स की टॉप सीक्रेट, आठ ऐसी जगह है जहां पे अगर आप उन्हें टच भी कर दो तो वो फुल एक्साइटेड हो जाती है। जी हाँ, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरोही, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक जरूर करना और जी हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लड़कियां हिचकिचाती हैं, शर्माती हैं कुछ कहते हुए, बट वो चाहती हैं कि इन जगहों पर उन्हें टच के, यानी कि रोमांस, एक लव टच होता है, कपल्स है तो उनके बीच में रोमांस और टच होना काफी जरूरी है, क्योंकि यही उनके प्यार को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। तो एट पार्ट्स ऑफ बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट है उनकी हथेली, उनका आर्म, यानी कि अगर कोई भी जस्ट हाथ में ऐसे करके फिंगर टच करे या फिर रब करे हथेली को, तो ऐसा करने से ही लड़कियों में जो हॉर्मोन है वो एक्टिवेट हो जाता है और उन्हें आपका अटेंशन मिलने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि हथेलियों को टच कीजिए अगर आपको दिल तक पहुंचना है। नंबर टू है, वो है लिप्स। हाय, पिंक लिप्स, पिंक लिप्स। तो ऐसे जो पिंक लिप्स होते हैं ना, लिप्स सबसे सेंसिटिव पार्ट है। बात करें लिप्स के, तो लिप्स में टच करना या फिर जस्ट उसमें अंगुली फेरना ही काफी होता है लड़कियों को एक्साइटेड करने के लिए, और जी हाँ उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए। नेक्स्ट है पीठ के बीच का हिस्सा, यानी कि बैक, उनके बैकबोन का जो सेंटर है, वहां पे जहां से वो जो है अपने ब्लाउज का हुक लगाती है, वहां का जो हिस्सा होता है ना, उन्हें अगर टच करने से वो काफी ज्यादा सेंसिटिविटी में आ जाती है, उत्तेजित हो जाती है, और जी हाँ उनके शरीर में जरा सा गुदगुदाहट होती है एंड वो हंसती भी है ऐसे अगर कोई उन्हें टच करे तो, उन्हें अच्छा भी लगता है। नेक्स्ट है नेक एरिया, नेक, लड़कियों की नेक पे किस करो या फिर उन्हें टंग से जरा सा ही आप अगर किस कर ले, टच कर ले, तो लड़कियां फुल क्रेजी हो जाती हैं, उन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है और वो उनके बॉडी का सबसे सेंसेशनल पार्ट होता है। तो कई जगह पे आपने देखा होगा कि नेक पे किस करते हैं, अगर आप टीवी पे कहीं पे भी देखते हैं, रोमांटिक सीन चल रहा होता है वहां पे देखते हैं कि नेक पे किस करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है जांघों के बीच का हिस्सा, यानी कि उनकी थाइस के बीच का हिस्सा जो काफ़ी सेंसिटिव होता है, ड्यूरिंग इंटीमेशन बार बार टच करते रहने से सेंसेशन कंटिन्यू रहता है और वो काफ़ी एक्साइटेड भी होती है और सेटिस्फाई भी होती है। नेक्स्ट है स्कैल्प, यानी स्कैल्प को टच करने से उनके माइंड में रिलैक्सिंग हॉर्मोन एक्टिवेट होता है, जिनके वजह से वो काफ़ी रिलैक्स हो जाती है और उनका मूड जो है वो फ्रेश हो जाता है, और जी हाँ उनका सेंसेशन जो है वो काफ़ी होता है अच्छा स्कैल्प में ही। अगर आप उनके बाल के बीच में अपना हाथ फेरें तो वो जो है काफ़ी जल्दी अपनी आंखें बंद करने लगती हैं और मूड बन जाता है उनका, रोमांटिक भी होता है स्कैल्प पे टच करना, बालों के अंदर टच करना। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं आपके बीच में बॉन्डिंग को भी स्ट्रॉन्ग करती है। दोस्तों इस वीडियो का इंटेंशन था आपके कपल के बीच में बहुत अच्छे से लव लाइफ को, आपके सेक्सुअल लाइफ को अच्छे से बताना और अच्छे से अपनी लाइफ को हैप्पीली जीने के लिए आपको अपनी सेक्सुअल लाइफ को भी काफ़ी अच्छे से चलाना होता है। तो दोस्तों कैसे लगी वीडियो, जरूर लाइक करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।